राज्यसभा चुनाव 2020 हरियाणा के लिए रोहतक से कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन भरा। उनके नाम की घोषणा शुक्रवार देर शाम की गई थी। दीपेंद्र के साथ उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नजर आए। वहीं सत्ताधीन दल भाजपा से राज्यसभा चुनाव 2020 के लिए हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत कुमार गौतम ने नामांकन भर दिया है। उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला मौजूद रहे। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो पार्टी में कलह की मार झेल रही कांग्रेस में मध्य प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के अंदर भी कुछ ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को हरियाणा में युवा दीपेंद्र पर भरोसा जताना पड़ा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा मजबूत दावेदारी जता रही थी। AICC मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी संसद के उच्च सदन में पहुंचने के लिए जुगाड़ भिड़ा रहे थे, लेकिन दोनों ही टिक पाने में सफल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष व दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सांसद बेटे को राज्यसभा पहुँचाने के लिए तगड़ी किलेबंदी किए हुए थे। उन्होंने शैलजा की दावेदारी का खुला विरोध किया। वह यह कहने से भी नहीं हिचके कि प्रदेशाध्यक्ष पद के साथ साथ राज्यसभा सांसद शैलजा को नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देते हुए युवा दीपेंद्र को राज्यसभा भेजने की बिसात बिछा डाली। पार्टी हाईकमान उनकी दलीलों को दरकिनार नहीं कर पाया और सहमात के खेल में हुड्डाबाजी मार गए। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।